हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित डागर। मेरे नए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फोमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फाइनली यहां पे एक और रिलेशन स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियन भर्ती आ चुकी है, और जो कि बिहार रेजिमेंट सेंटर में आई है। इसका मेरे पास ओरिजिनल चार्ट आ चुका है और आपको मैं बताऊंगा उसकी पूरी डिटेल। तो इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देख लेना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में एम रखते हैं 200 लाइक का, तो प्लीज़ 200 लाइक दे देना, मुझे उम्मीद है कि आप दे दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखा देता हूँ कि जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। चार्ट कुछ यहाँ पर आ चुका हमारे पास, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बिहार रेजिमेंटल सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है। भाई यहाँ पे देख लीजिए, 20 अप्रैल से भर्ती स्टार्ट होगी। 20 अप्रैल 2020 से भर्ती स्टार्ट होगी, और 20 अप्रैल को किसकी होगी तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स की यहाँ पर होगी 20 तारीख को। वहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जी डी के लिए यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन बुलाए गए हैं, और ट्रेडमैन और क्लर्क की भर्ती भी उसी दिन होगी, ठीक है भाई, उसी दिन बुलाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, 20 अप्रैल को, और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग डेट है वो आपकी 20 अप्रैल को सुबह 5 बजे है। और मैं आपको बता दूँ 21 अप्रैल को भाई यहाँ पे जीडी के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जीडी के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। कितने बजे होंगे? 21 को भाई आपके सुबह 7 बजे होंगे, आपकी रिपोर्टिंग है सुबह 7 बजे 21 तारीख को डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 22 अप्रैल 2020 से भाई यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो जीडी के होंगे, स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स के और ट्रेडमैन और क्लर्क के, भाई ठीक है। यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स को जाना है और ट्रेडमैन कैंडिडेट्स को जाना और क्लर्क को जाना, 22 अप्रैल को उनके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और 21 को ओनली जीडी के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और उनकी भी रिपोर्टिंग डेट है 7 बजे की, भाई ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको बता दें, तो यहाँ पे बताया 23 अप्रैल को डॉक्यूमेंटेशन रिमेनिंग कैंडिडेट्स, तो मतलब ये उनके हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं और जिनके चेक नहीं हो पाते हैं 22 और 21 को, तो उनको भाई 23 को एक और चांस दिया जाएगा, तो 23 को वहां पे डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे भाई, ठीक है, वो भी 7 बजे यहां पे होंगे। फिर मैं नीचे लेके चलता हूं, तो यहां पे बताया है कि भाई कि 27 अप्रैल 2020 से भाई आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया एमआई रूम में होंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो वहाँ पे फिट हो चुके होंगे भाई, जितने भी रनिंग में फिट हो गए होंगे भाई, वो उनकी यहाँ पे मेडिकल होगा, ठीक है। फिर 24 अप्रैल को यहाँ पर बताया कि भाई 24 अप्रैल को म्यूजिशियन वालों का यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा भाई, ठीक है, ट्रेडमैन में 24 अप्रैल को भाई, ठीक है, यहाँ 27 कर दिया है, यहाँ इन्होंने 24 कर दिया, ठीक है। तो 24 अप्रैल को भाई यहाँ पे म्यूजिशियन की एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपकी रिपोर्टिंग है सुबह 7 बजे भाई, ठीक है, आपको पहुंच जाना है। और मैं आपको बता दूं जो एग्जाम होगा भाई वो 26 जुलाई 2020 को होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो कि फिजिकल और मेडिकल में फिट होगा भाई, ठीक है, और जो अनफिट होगा उसे बाहर कर देते हैं भाई, आपको पता होगा। और रिपोर्टिंग डेट है 7:30 बजे की भाई, ठीक है, 26 जुलाई को, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे आपको ये चार्ट चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे चार्ट को ले लेना, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, एम रखा 200 लाइक का, तो प्लीज़ 200 लाइक दे देना। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।